जौनपुर जिले के बरसरी थाने की पुलिस ने बोलेरो गाड़ी से अवैध शराब का जखीरा व अन्य सामान किया बरामद। मौके से दो शराब तस्करों को भी किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर आगामी त्योहार व पंचायत चुनाव के मद्देनजर चलाए जा रहे अभियान के तहत बरसठी पुलिस को मिली मुखबिर से सूचना पर महमूदपुर गेट मरियाहू बरसठ मड़ेरी मार्ग से अपमिश्रित शराब बनाने व बिक्री करने वाले दो वाहन तस्करों को घेर कर पकड़ लिया गया। शुक्रवार दोपहर बरसठी थाने पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण त्रिभुवन सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि 300 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब, 1200 अदद प्लास्टिक की खाली शीशी व ढक्कन, 2.5 किलो यूरिया, 500 ग्राम नौशाद और 1 अदद 315 बोर तमंचा व कारतूस तथा 1 UP-62 VQ 2734 बोलेरो वाहन बरामद हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों ने अपने नाम मनीष सरोज पुत्र राजकुमार निवासी जमलिया थाना मड़ियाहू व संजय सिंह पुत्र ओम प्रकाश निवासी रत्नपुर थाना आसपुर देवसरा प्रतापगढ़ बताए गए। SP ग्रामीण ने बताया कि तस्कर अवैध शराब को खाली शीशी में भरकर फरार अभियुक्त मोनू सिंह पुत्र अज्ञात रौनक सिंह पुत्र मुकेश सिंह व वीर बहादुर सिंह पुत्र जोखन सिंह के साथ मिलकर होली व पंचायत चुनाव में बेचकर काफी पैसा कमाने के फिराक में थे। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्ता का आबकारी अधिनियम व आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। गिरफ्तारी टीम में थाना प्रभारी श्यामदास वर्मा व आबकारी निरीक्षक अरुण कुमार यादव, वरिष्ठ उप निरीक्षक सदानंद राय, हेड कांस्टेबल स्वामीनाथ यादव, कांस्टेबल गोविंद प्रसाद, सुरेश यादव, संजय यादव, राहुल रजक, बलवंत प्रसाद आदि पुलिसकर्मी शामिल रहे। शराब की तस्करों को पकड़ा है आपने, तो कितना पकड़ा है, कैसे पकड़ा है? ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और होली को दृष्टिगत रखते हुए शासन की मंशा के अनुसार पुलिस अधीक्षक जौनपुर के द्वारा एक विशेष अभियान मादक द्रव्यों के विरुद्ध चलाया जा रहा था। तो इसमें अभी चंद दिन पहले ही मड़ियाहू थाने में 5 क्विंटल 90 किलो गांजा बरामद किया गया था। उसी कड़ी में एक बड़ी सफलता थाना बरसठी को और आबकारी विभाग को मिली है, जिसमें एक बोलेरो में एक ड्रम में 300 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब, जिसमें 1200 अदद खाली प्लास्टिक की शीशी, इतने ही अदद ढक्कन, लगभग 2.5 किलोग्राम यूरिया, 0.5 किलो नौशादर और अभियुक्त के पास से एक तमंचा 12 बोर का बरामद हुआ है। और दो अभियुक्त, एक मनीष सरोज पुत्र राजकुमार, ये जमलिया थाना मड़ियाहू रहने वाला है, और दूसरा है संजय सिंह पुत्र ओम प्रकाश सिंह, ये रत्तीपुर थाना आसपुर जोसरा जनपद प्रतापगढ़ का, इनको गिरफ्तार किया गया है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि वीर बहादुर सिंह और पिंटू जो कि, और रौनक सिंह पुत्र मुकेश सिंह जो कि महमूदपुर बरसठी के रहने वाले हैं, इनके द्वारा ये धंधा किया जाता है। और ये ना सिर्फ जनपद जौनपुर में बल्कि पड़ोस के जनपद प्रतापगढ़ है, भदोही है, सोनभद्र है, वहाँ भी इनकी सप्लाई है। तो पूछताछ करके संबंधित जनपदों को बता दिया गया है और इसमें गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 14 एक में इनकी चल अचल संपत्ति भी कुटी जाएगी। ये स्थानीय पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्थानीय पुलिस ने पकड़ा सर, क्या आबकारी विभाग ने? स्थानीय पुलिस ने पकड़ा है, आबकारी विभाग का इसमें सहयोग है।